तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो शाम के बज रहे हैं, सही पूरे 7 बज रहे हैं और कुछ ब्लॉग शुरू किया जाए। डेली रूटीन वाला ब्लॉग बनाते हैं। अचानक से मेरी बारिश होने लगी, धूप निकली थी और कपड़े भी गीले हो गए, तो काम तो काम में से काम बढ़ जाता है। और मैं जब ग्वालियर से आई थी तो भी वो ब्लॉग आए नहीं। अगर आप आएंगे तो पहले वो वाला ब्लॉग देखना कि कैसे चूहों ने मुझे तंग कर रखा है। और चूहों का कोई परमानेंट इलाज हो तो आप ज़रूर बताना, मैंने तो सारे इंतजाम करके देख लिए। पता नहीं चूहे तो मतलब यूट्यूब पर लोग वीडियो भी डाल देते हैं, इससे ऐसे करिए ऐसे करिए, उससे कुछ नहीं होता जाता है। यूट्यूब के वीडियो देखे भी बहुत से सारे इंतजाम करे लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। कल मेरी एक वाइटी फ्रेंड है, यूट्यूब वीडियो देख के वो उसका जंग का दाग लग गया था तो वो साफ कर रही थी, तो उससे कुछ भी नहीं हुआ। लोग ऐसे ही मतलब इतने दावे से वीडियो बनाते ना जैसे बिल्कुल हो ही जाएगा। खैर, ऐसे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए सफ़ेद सफ़ेद, क्योंकि लोग एक भरोसा खोल के यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि भाई ये चीज़ हमें ख़राब हो रही तो कैसे करें। अगर आपके पास चूहों का कोई इंतजाम हो तो जरूर बताना। मैं तो बहुत दिखी हुई, देख रही हूँ कपड़ों का ढेर मैंने बाहर निकाल लिया है और मैं दिखाती हूँ डेली यूज के कपड़े हैं, क्योंकि मेरे पास अलमीरा ही छोटी है तो इसमें मेरी साड़ियाँ सूड़ियाँ रोज एकाध रखी हुई हैं। और यहाँ पर मेरे पास अलमारियाँ कम है, मैंने ले भी नहीं रही हूँ। मैं रोज़ पहनने के कपड़े मेरे न्यू वाले कहाँ रखे दिखाऊंगी, तो इसमें मैंने रोज़ पहनने के कपड़े रख दिए थे, चूहों ने सारा सत्यानाश मार दिया। ये मेरी न्यू ब्लाउज थे और बहुत काटा पीटी बहुत नुकसान कर दिया है मेरा। रोज़ पहनने के कपड़ा पहनने का ढेर लगा हुआ है, इसमें से कितना कपड़ा काटा भी दिखाऊंगी। ब्लाउज की डोरी काट गए हैं पूरे में, मोती मोती बिखर गए हैं। वो जो पिंक वाली स्कर्ट दिख रही है ना आपको, वो भी पूरी काट दी है। तो देखते हैं कितना कपड़ा इसमें से कटा निकलेगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और इवनिंग का ब्लॉग है तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग। और ये देखो यार कितना मेरा मतलब नुकसान किया है चूहों ने, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए पूरे पेटीकोट में छेद ही छेद करके छोड़ दिए हैं। ये देखिए ये होल दिख रहा है आपको, पूरा छेद कर दिया है। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरा, मतलब मैं इतनी दुखी हूँ ना। पहले साड़ियाँ काटी थी मेरी और अब ये पेटीकोट काटना शुरू कर दिए हैं। ओ तेरी, ये देखिए ये पूरे पेटीकोट में ऐसे होल बना दिए हैं। और अभी तो कितने कपड़े कटे होंगे मुझे नहीं पता कितने कटे होंगे, पर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। आपके पास सच में कोई सॉल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताना आप। ये देखिए मेरे पूरे पेटीकोट का हाल देखिए, आप पूरे में होल ही होल कर दिए हैं। ये देख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये देखो मेरी सलवार की क्या दुर्गति की है, पूरा सूट खराब कर दिया, इतना महंगा सूट था। ये देखिए, ये देखिए मेरे कपड़े जम गए हैं। मैंने इस तरफ लोअर टी शर्ट है, इधर टी शर्ट रखी है, पीछे सूट है और इधर बीच में चुन्नियाँ रखी हैं और इधर पेटीकोट, इधर ब्लाउज का कलेक्शन कर दिया है। कपड़े मैंने अलग अलग कैटेगरी में जमा तो दिए हैं, देखते हैं चूहे मुझे क्या कितना परेशान करते हैं। तो ये देख रहे हैं इधर ये वाली लोअर टी शर्ट, उधर पीछे सूट, बीच में चुन्नियाँ, ब्लाउज और पेटीकोट। फाइनली मैंने अपनी कवर जमा दी है, लेकिन परेशान मैं बहुत हूँ चूहों की वजह से। तो आपके पास कोई चूहों का सोल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये था मेरा चूहों ने कपड़ों को काटा वाला ब्लॉग, तो कमेंट करके जरूर बताइए। कपड़ों का तो सत्यानाश हो गया, ज़्यादा बड़े ब्लॉग में नहीं बनाती हूँ, छोटे छोटे से ब्लॉग बनाती हैं। तो वीडियो जरूर पूरा देखना और मुझे जरूर बताना कि मैं क्या करूँ।